हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आज आर्टिकल आया हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में, GS2 में यह आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस आर्टिकल में क्या है वो हम देखेंगे, काफ़ी अच्छे से इस आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस आर्टिकल में मेनली ये बताया गया है, सबसे पहले बात आती है वियना कन्वेंशन की। कंटेक्स्ट आपको एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ कि सीन क्या है। सीन यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने क्या किया, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके बारे में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए कि भाई हमारा इंडिया बोल रहा है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर हरासमेंट किया जा रहा है, और पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई हमारे डिप्लोमेट्स को इंडिया के अंदर हरासमेंट है वो किया जा रहा है। तो काफ़ी गंभीर आरोप हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं, उसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस है वो किया गया है। तो इस आर्टिकल में जो भी बेसिक पॉइंट है और जो भी हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है वो डिस्कस करेंगे, और बैकग्राउंड के साथ हम सारा मुद्दा है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई वियना कन्वेंशन आखिर है क्या, क्या है वियना कन्वेंशन का ऐसा माजरा। देखो, बात ऐसी है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन इन 1961 में ये साइन है वो हुई थी। अब इसमें दो आर्टिकल हैं, एक तो आर्टिकल 29 और एक है आर्टिकल 31। इन दोनों के लोग काफ़ी गंभीर इशूज हैं वो सामने आए हैं, तो हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या तो भाई इसमें प्रावधान किए गए। देखो, वियना कन्वेंशन का जो आर्टिकल 29 है ना वो ये कहता है कि किसी भी देश के जो डिप्लोमेट्स हैं ना, डिप्लोमेट्स के जो एजेंट हैं उनकी फ्रीडम और डिग्निटी है ना वो वायोलेशन, उनका वायोलेशन वो नहीं कह सकता मेज़बान कंट्री के द्वारा। मतलब एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इंडिया के कोई भी डिप्लोमेट्स एजेंट हैं और वो रह रहे हैं पाकिस्तान में, तो जो इंडिया के डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तान में एजेंट रह रहे हैं उनकी एक्चुअली फ्रीडम और उनकी डिग्निटी है उनका वायोलेशन नहीं कर सकता पाकिस्तान। तो ये यहाँ पे आर्टिकल आता है इसका 29। इसका आर्टिकल 31 क्या कहता है, आर्टिकल 31 ये कहता है कि भाई जो भी कोई डिप्लोमेटिक मिशन होता है ना तो उसके स्टाफ वगैरह को स्पेशल राइट्स वो मिलते हैं। क्योंकि देखो, आप जानते हो कि डिप्लोमेट्स का मेन काम क्या होता है, रिलेशन को इंप्रूव करना है, वो कोई भी जैसे वैसे स्टेप उठाने की कोशिश करते हैं ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी मनमुटाव या जो भी इशूज हो उनको सोल्व हो किया जा सके। तो उनको विशेष अधिकार है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और जिनका होता है क्या कि होस्ट जो कंट्री है तो उनका वो रिलेशन वो नहीं कर सकता, ऐसा वियना कन्वेंशन के जो आर्टिकल 29 और 31 दोनों के अंदर लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 29 के और आर्टिकल 31 के वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब देखते हैं सारा सीन, बाकी क्या सीन के हैं आगे। बात ऐसी है, इंडिया ने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान के अंदर हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के उनको एक्चुअली काफ़ी हरासमेंट की तरफ फोकस है वो किया जाता है। मतलब उनका हरासमेंट होता है उनको, जैसे कई बार कहें कि ड्राइवरी वगैरह पे ड्राइवर वगैरह को रोका जाता है, उनको पानी वगैरह की इंडायरेक्टली सप्लाई वगैरह से रोका जाता है, मतलब काफ़ी ऐसे आरोप लगते हैं। देखो, इश्यू और भी देखते हैं, बात ऐसी है कि इंडिया की जो एम्बेसी है जो पाकिस्तान में उसका दोबारा से कंस्ट्रक्शन वगैरह वो चल रहा है। तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो वहाँ पर काफ़ी बार जैसे कोई भी ड्राइवर वगैरह है वहाँ का जो कि इंडियन एम्बेसी से रिलेटेड है वो वहाँ पर जाता है तो उसको कई बार डराया धमकाया जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान का ऐसा कहना है कि भाई देखो, जो भी ड्राइवर को धमकाया गया है वो इसलिए धमकाया गया है क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे वो कंप्लीट है वो नहीं थे। तो इस बात पे इंडिया का ऐसा कहना है कि देखो, बात ऐसी नहीं है कि पहली बार इस तरीके से धमकाया जा रहा है, पहले भी ऐसा काफ़ी बार देखा गया है, और कई बार ऐसा देखा गया कि जो एम्बेसी है उसमें डायरेक्टली रूप से पानी की सप्लाई वो रोक दी जाती है, इनडायरेक्टली रूप से पानी की सप्लाई को रोकना या फिर लाइट की सप्लाई को कहने के छेड़खान करना, इसके साथ ही बेटाइम कॉल करना, चाहे रात को 2-2 बजे कॉल कर देते हैं फालतू के, मतलब एक तरीके से कहें कि उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश वो की जाती है। तो ये सारी चीजें आती हैं हरासमेंट में, तो ये आरोप लगाए जाते हैं इंडिया के द्वारा, और सेम कुछ ऐसे ही आरोप हैं वो लगाए जाते हैं पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के ऊपर। तो मतलब बात ये कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के डिप्लोमेट्स के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जो कि काफी गंभीर मामला हो जाता है। अब देखो, राइटर का यहाँ पे ये कहना है कि भाई दोनों कंट्रीज को जो ऐसे मुद्दे ना डिप्लोमेट्स के बीच में जो मनमुटाव वाला माहौल हो रहा है इसको सोल्व है वो कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो, आप एक चीज़ जानते हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता है हालत अभी ज़्यादा अच्छे नहीं है। अच्छे क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली रूप से तो कोई बातचीत हो नहीं रही है, सब कुछ बंद है, सारा मामला ठफ है। तो ऐसे माहौल में डिप्लोमेटिक रिलेशन है वही एक बहुत बड़ी टूल है, वही एक बहुत बड़ा वेपन्स के रूप में काम कर सकते हैं कि भाई दोनों देशों के बीच में शांति है वो स्थापित करवा सकते हैं, दोनों के देशों के बीच में जो भी डिफरेंसेज हैं उनको दूर करवा सकते हैं। और अगर इसी हालात यही हालात अगर कंटिन्यू रहे तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिया अपने डिप्लोमेट्स को वापस से इंडिया बुला लेगा, पाकिस्तान भी अपने डिप्लोमेट्स को वापस अपने पाकिस्तान में बुला लेगा। मतलब क्या होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बातचीत करने का स्कोप वो नहीं रहेगा। अगर दोनों के बीच में कोई भी बातचीत करने का स्कोप नहीं रहा तो मतलब समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाएगी, टेरर अटैक भी बढ़ेंगे और इंडिया को भी नुकसान होने वाला है और पाकिस्तान दोनों को ही इस चीज़ से नुकसान है वो होने वाला है। तो इसी चीज़ के बाद में राइटर कह रहे हैं कि देखो, बातचीत का रास्ता अगर पूरा रास्ता बंद हो जाएगा ना तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेकार चीज़ साबित हो सकती है, इसलिए हमें जो भी मनमुटाव है उनको दूर करना चाहिए
चाहिए और जो भी डिप्लोमेट्स के इश्यूज हैं उनको आपस में बैठ के मिल बांट के सोल्व हो करना चाहिए, क्योंकि जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना वो एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जोड़ने का एक लिंक का काम है, वो ब्रिज का काम है वो करते हैं। तो ऐसे माहौल में अगर ये ब्रिज ही टूट जाएगा, ब्रिज ही नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन वो कहाँ से रहेंगे। तो वही बात यहाँ पर एडिटर के द्वारा कही जा रही है कि भाई जो डिप्लोमेट्स के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का मामला लग रहा है कि भाई इंडिया है वो डिप्लोमेट्स को हरासमेंट है वो कर रहा है, पाकिस्तान के ऊपर आरोप लग रहा है कि पाकिस्तान है वो कुछ ऐसा स्टेप हो रहा है, तो इन चीज़ों को हमें मिल बांट के आपस में बैठ के शांति से सुलझाना है वो चाहिए, ताकि हमारे बीच में जो भी बातचीत के थ्रू जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व है वो किया जा सके। तो ये सारे पॉइंट्स इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक का क्या तो सीन है। देखो बात ऐसी है कि WHO ने भी एक कमेटी बनाई, एक पैनल भी बनाया, उसने ऐसा कहा कि जो माइक्रोप्लास्टिक है ना वो काफ़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है पूरे वर्ल्ड के लिए। अब देखो बैकग्राउंड के साथ हम इसको भी फिर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात होती है कि माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है। देखो प्लास्टिक का ही एक प्लास्टिक की एक फॉर्म है, मतलब प्लास्टिकों के काफ़ी बारीक टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। जिस प्रकार से पर्टिकुलर मेटल 2.5 होता है, 3 होता है, पर्टिकुलर मेटल 10 होता है, उसी प्रकार से प्लास्टिक, वो प्लास्टिक जिसकी साइज 5 mm से भी कम, मतलब वो प्लास्टिक जिसका डायमीटर हो, जिसका व्यास हो, वो 5 mm से भी कम होता है, उसको बोलते हैं एक्चुअली माइक्रो प्लास्टिक। मतलब वो बहुत बारीक होता है, वो किसी फिल्टर वगैरह के द्वारा भी नहीं रोका जा सकता। तो ऐसे प्लास्टिक को बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। अब इसके काफ़ी कुछ नुकसान से वो हो सकते हैं, और ये प्रोडक्ट मेनली जो प्रोड्यूस होता है वो होता है कॉस्मेटिक आइटम्स से, जो हम डेली सौंदर्य प्रसाधन का यूज़ करते हैं वो, इसके साथ ही जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और होते हैं उनके अंतर्गत मिक्सिंग ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। तो ये यहाँ पे देखा हमने सोर्स कौन कौन से हैं, इसके बाद में क्या होता है माइक्रोप्लास्टिक, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। अब देखते हैं आगे। आगे बात ऐसी है कि देखो माइक्रो आजकल हम हमारे लाइफ में माइक्रोप्लास्टिक्स है इनका यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, इवन हम प्लास्टिक का यूज़ है वो भी कम नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट होता जा रहा है, और ये फिर माइक्रोप्लास्टिक जो कन्वर्ट हो रहा है मतलब काफ़ी बारीक होता है ये, तो इसकी वजह से दिक्कत ये कि ये हमारी फूड चेन में इंटर कर रहा है। और आप जानते हो कि अगर हमारी फूड चेन में इंटर कर जाता है तो बायोक्यूमुलेशन की प्रोसीजर हो जाएगी, बायो मैग्निफिकेशन की, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ही होने वाला है कि हमारी पूरी हेल्थ के अंदर क्या है कि काफी बड़ा इंपैक्ट है वो फैलने वाला है। मतलब काफी बड़ा इंपैक्ट इसलिए फैलेगा क्योंकि जो माइक्रोप्लास्टिक है वो तो हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, तो ऑब्वियसली वो जहरीला तो होता ही होता है, क्योंकि उसमें काफी टॉक्सिक वगैरह की काफी जहरीली चीजें हैं वो पाई जाती हैं प्लास्टिक के अंदर, तो वो हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। इवन जो हमारी किडनी होती है, लीवर होता है, इन सारी चीजों को भी वो इफेक्ट है वो करेंगी। इसके बाद में बात ये आती है, अभी जो मुद्दा सामने आ गया वो ये उठ गया कि भाई जो सेफ बोतल का जो पानी होता है, मतलब जो हम पैकिंग का पानी लेते हैं, जैसे बिस्लेरी वगैरह का हुआ, इनले वगैरह का, और भी जो भी हम पैकिंग का पानी लेते हैं, इस पानी के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की बात है वो की है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, क्योंकि देखो जो प्लास्टिक जो डिस्टिल वाटर की पानी की बोतल आती है वो तो हम लेते ही इसीलिए कि उसमें कोई भी इंप्योरिटीज़ वगैरह ना हो, बट अगर उसी में इंप्योरिटीज़ आने लगे तो इसका मतलब क्या है कि पोल्यूशन बहुत बड़े लेवल पर फैल चुका है, और पोल्यूशन का खामियाजा हमें बहुत बड़े लेवल पर ही भुगतना वो होगा। तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो अभी हमें एक नई रिसर्च और डेवलपमेंट की भी जरूरत है, क्योंकि देखो अभी तक एक चीज है वो प्रूव नहीं हो पाई। आप ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अभी तक एक चीज ये प्रूव नहीं हो पाई कि माइक्रोप्लास्टिक से हमारी हेल्थ को क्या क्या नुकसान है वो होने वाला है। मतलब बात ऐसी है कि माइक्रोप्लास्टिक से हमारी हेल्थ को नुकसान होते हैं या नहीं होते, क्या क्या बड़े नुकसान है वो हो सकते हैं, अभी तक तो केवल उम्मीद है वो की जा रही है। इसलिए हमें इस वाले एरिया में नई रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है। ये केवल बात इंडिया के लिए नहीं है, ये बात पूरे वर्ल्ड के लिए, ये बात पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए है, इवन जो डेवलप कंट्री है उनके लिए भी है और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए भी है कि भाई वो इस एरिया में रिसर्च करें और पता लगाएं कि माइक्रोप्लास्टिक को अगर वो कंज्यूम करें तो उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, और अगर कि उससे रोकने के लिए क्या क्या स्टेप उठाने हो। मतलब सीधी सी बात यह कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि इसके इफेक्ट का पता चले। तो ये चीज़ यहाँ पे सामने आई है। तो फिर राइटर बता रहे हैं कि यहाँ पे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, उसने एक अपना कमीशन भी बनाया ताकि भाई इस चीज़ के ऊपर एक तरीके से मॉनिटरिंग वगैरह, मॉनिटरिंग का मतलब यहाँ पे कि रिसर्च वगैरह वो की जा सके। इसके बाद थोड़ा डाटा ये दिया गया आर्टिकल में कि देखो हर साल हम लोग है वो समुद्र के अंदर अप्रोक्सीमेट 8 मिलियन टन जो प्लास्टिक का कचरा है वो डालते हैं, मतलब इतना कचरा हमारे समुद्र के अंदर फैलाते हैं जिसकी वजह से नुकसान है वो भारी होता है। देखो होता क्या है, ये प्लास्टिक जो हम पानी के अंदर मतलब बाहर नहीं फेंकते हैं, ये प्लास्टिक धीरे धीरे पानी के अंदर क्या होता है फैल जाता है, और उसके ऊपर इस पर काई वगैरह जम जाती है। तो होता क्या है इसके बाद कि एक तरीके से एक ब्लैक वाली सी ब्लैक सी लेयर जमा देता है पानी के ऊपर, जिससे के अंदर पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है और सनलाइट की सप्लाई है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। अब आप ऐसी एक चीज़ जानते हो
कि अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा और जो रोशनी है सनलाइट है वो भी नहीं जा पाएगी, इसको मतलब क्या होगा, पानी के अंदर जो जीव रहते हैं उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, वो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, तो एक तरीके से वो डार्क जोन बनते जाएंगे, मतलब वहाँ पे जीव वगैरह वो नहीं रह पाएंगे। अगर ऐसा माहौल होगा कि वहाँ पे जो पानी के जो पेड़ पौधे हैं या पानी की जो भी स्पीसी वो नहीं रह पा रहे, इसका मतलब क्या होगा कि जो इकोसिस्टम वो हमारा गड़बड़ा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित है वो होता जाएगा। तो इस तरीके की सारी प्रोसीजर है वो आगे चलती है। एक देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हम प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ना, वो रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं, मतलब जितने प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं उतना प्लास्टिक हम रिसाइकिल वो नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि जैसे कि 100 किलो प्लास्टिक है वो हर डे प्रोड्यूस है वो करते हैं बाहर, मतलब कचरे के रूप में, तो उसमें से केवल 5 या 10% जो प्लास्टिक है उसको ही एक्चुअली रिप्रोड्यूस या रिसाइकिल है वो किया जाता है। तो मतलब जो बाकी प्लास्टिक है वो हम समुद्रों में फेंक रहे हैं। अब देखो बाकी प्लास्टिक अगर ओब्वियसली नदी नालों के थ्रू अगर समुद्र में भी जा रहा है कहीं ना कहीं, जैसे हमने किसी ने नदी में फेंक दिया, किसी ने बाहर फेंक दिया नाली वगैरह में, तो धीरे धीरे घूम के नदी नालों के थ्रू समुद्र में पहुंच जाता है, और समुद्र में आया तो फिर कोई प्लांट एनिमल वगैरह वो उसको खा जाता है, तो मछली वगैरह, तो फिर उसकी हेल्थ के लिए काफी नुकसान देगा वो साबित होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो हेल्थ है प्लांट्स और एनिमल की वो भी कहीं ना कहीं से इफेक्टेड है होती जा रही है। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, एक तो हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसके ऊपर भी फोकस करना होगा। गवर्नमेंट अब हमारी डिसीजन तो उठा रही है कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, बट राइटर ये कह रहे हैं कि केवल हवाबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें एक प्रॉपर स्टेप उठाने होंगे और देखना होगा कि भाई हम क्या क्या स्टेप है, क्या क्या सोल्यूशन है वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि देखो हमें अवेयरनेस पर भी फोकस करना है, मतलब हमें अवेयरनेस के ऊपर ध्यान देना है कि लोगों को हम अवेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करें कि भाई वो प्लास्टिक की चीज़ें वो यूज़ ना करें, तो कम से कम हमें प्लास्टिक वो यूज करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी पॉलिसी इस तरीके से बनानी चाहिए ताकि प्लास्टिक का यूज है वो कम हो, मतलब पॉलिसी इस तरीके होगी भाई प्लास्टिक का बैग यूज करो तो काफी महंगा प्लास्टिक का बैग कर देना चाहिए, और कुछ जो लिमिटेड चीजें हैं जहां पे प्लास्टिक के बैग की नीड है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, तो उनके लिए ही प्लास्टिक बैग है वो भी डिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है उसका यूज़ किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो बाकी वो बेकार तरीके के जो प्लास्टिक है उनको यूज़ किया जाए, केवल डिग्रेडेबल जो प्लास्टिक्स है उसकी क्वालिटी को ही यहाँ पे यूज है वो करना चाहिए, ताकि उसको रिसाइकिल वगैरह भी किया जा सके। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो छोटा सा, उसमें कुछ खास पॉइंट है नहीं, 2-3 पॉइंट है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या क्या पॉइंट है वो कहे गए, क्योंकि वो एग्जाम में हमारे लिए एक दो पॉइंट्स कहीं थोड़ा सीन वगैरह हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि आखिर सीनेरियो चल क्या है। ये आर्टिकल है हमारे लिए वेस्ट बंगाल और दार्जिलिंग के बारे में। तो आपको पता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, जिसको एक ऑटोनोमस दर्जा है वो भी दिया गया है, क्योंकि तो आपको पता है कि दार्जिलिंग में गोरखा लैंड की मांगें भी पिछले साल काफ़ी सुर्खियों में रही थी, और दार्जिलिंग में काफ़ी लंबे टाइम पे बैन एक तरीके से बंद है वो रहा था, तो उसकी वजह से जो दार्जिलिंग का जो टूरिज्म सेक्टर वो भी लास्ट ईयर बहुत प्रभावित रहा था। इसलिए काफ़ी सारे आर्टिकल भी हमने डिस्कस किए थे इसके बारे में कि गोरखा लैंड क्या है। इसके साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया था पहले बहुत सारी चीज़ें कि भाई गोरखा लैंड है वो बार बार मांगे उठती है, ऐसा नहीं कि पहली बार ही मांगे उठी थी, गोरखा लैंड की बार बार मांगे उठती हैं, तो वो ऐसे उसके रीजंस भी हमने डिस्कस किए थे। बट यहाँ पे जो आर्टिकल का मेन फोकस है वो ये फोकस है कि भाई जो अभी वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो अभी वेस्ट बंगाल के लिए या मतलब दार्जिलिंग के एरिया के लिए इंडस्ट्रियल समिट है वो आयोजित करिए। अब ये नए जो इंडस्ट्रियल समिट आयोजित किए जा रहे हैं, इनका फायदा होगा कि वहाँ पे जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सके, उनके बारे में एक तरीके से मतलब इंडस्ट्री है उनको आगे बढ़ाने के लिए बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्योंकि देखो जब भी इंडस्ट्रियल समिट होगा तो उसके बारे में काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि यहाँ पे कौन सी तरीके की इंडस्ट्री लग सकती है, क्या क्या यहाँ पे नए नए स्कोप है, अगर क्या क्या गवर्नमेंट यहाँ पे नए नए फैसिलिटीज़ लग जा सकती है, और किस तरीके की यहाँ पे डिमांड, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह वो लगाई जाएंगी। तो मतलब मेन बात यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को आगे डेवलप करने के लिए और टूरिज्म सेक्टर को भी आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप है वो उठा रही है, ताकि उस वाले एरिया में जो एक्चुअली काफ़ी बार आरोप लगता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट के कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं चलाती है, उस कमी को दूर हो किया जा सकते हैं। तो ये ममता बनर्जी पॉलिटिक्स वगैरह के जो रिलेटेड पॉइंट है वो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, बेसिकली इस आर्टिकल में यही जो पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो देखो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, बाकी आज कुछ ज़्यादा आर्टिकल आए नहीं थे, 2-3 आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है ये हमने यहाँ पे डिस्कस के लिए, बाकी केवल पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल हैं जो हमारे लिए एग्जाम में 1% भी काम के नहीं है, तो इसलिए हम उनको डिस्कस है वो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।